नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नारायण लाल धाकड़, आप देख रहे हैं आदिश किसान सेंटर। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं जो हमारे हमेशा समस्या ये रहती है कि खेती में जंगली जानवरों की, चाहे वो नीलगाय हो या जंगली सुअर, तो एक बड़ी समस्या रहती है, हमारी फसलों को नष्ट कर जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही बढ़िया, एक सरल तरीके से एक छोटा सा उपकरण बनाया है। इस उपकरण की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जो नीलगाय की समस्या से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे हम ये उपकरण दिख रहा है आपको, इसके बारे में जो एक आपको हर एक डिटेल आसानी से देंगे। सब्सक्राइब कीजिए आदर्श किसान सेंटर चैनल को और पास आए बेल आइकन दबाएं, कृषि संबंधित वीडियो सबसे पहले पाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये लकड़ी देख रहे हैं, हमने जो लकड़ी खड़ी कर दी है, इसके सारे जो ये लकड़ी का पट्टा है यहाँ पर इसको सेट कर दिया और इस पे पूरा ये सिस्टम हमने तैयार कर रखा है। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें ये एक जो मोटरसाइकिल की बैटरी होती है, वह मोटरसाइकिल की बैटरी 12 वोल्टेज की होती है, उसको इसके अंदर लगा दिया गया है और इसके चार्जर की सुविधा भी हमने यहाँ पर उपलब्ध करा दी है। इसके लिए हमारे पास में स्प्रे मशीन का जो चार्जर होता है उसका सिस्टम इसमें दे दिया गया है। यहाँ पर हम स्प्रे मशीन के चार्जर के माध्यम से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और ये बात है कि दोस्तों, एक बार अगर हम चार्ज कर सकते हैं तो अगर अच्छी हमारे पास में कंपनी की बैटरी है तो लगभग 6 घंटे तक इसको चला सकती है। और इसकी हम अब बात कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए चालू करने के लिए एक लाइट की लाइट दे दी है, मतलब ये लाइट लगा दी यहाँ पर, और एक लगा दिया सायरन। और यहाँ पर इसको चालू बंद करने की अगर समस्या रहती है तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो चुटकी होती है उसको कनेक्शन दे दिए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं एक स्प्रिंग लगा दी गई है। तो इसको हम चालू करके इसका थोड़ा सिस्टम दिखा देते हैं आपको। जो एक और हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में एक जो कलर वाला लट्टू आता है, घूमता रहता है और उसके अंदर कलर वाली लाइटें चलती रहती है, उसकी जो मोटर होती है धीरे धीरे चलने वाली, उस मोटर को हमने यहाँ पर यूज किया है। और एक कनेक्शन इसके अंदर जा रहा है और सायरन वाला और लाइट वाला कनेक्शन इसके अंदर जा रहा है। और सायरन जो रुक रुक के बजता है उसका कनेक्शन एक तार इसके अंदर जा रहा है। और ये स्प्रिंग जैसे ही टच होगी तो वह बजने लगेगा। इसको हम एक बार चलाकर आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर चुटकी लगा दी गई है, उसको हम ऑन कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी लाइट चल रही है, लाइट भी चल रही है और सायरन भी चल रहा है। ये स्प्रिंग जैसे ही यहाँ पर टच होती है तो सायरन चलता है, ऐसे पूरी रात घूमेगा। और नीलगाय का दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो हमारे पास में, जैसे इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास में नीलगाय से एक तो जो सायरन बजेगा सायरन से दूर रहेगी, और दूसरा है कि जो लाइट घूमती रहेगी, लाइट उसकी आंखों में जाएगा प्रकाश, तो वह जैसे ही लाइट से, मतलब बहुत ज्यादा नीलगाय डरती है तो लाइट के पास में आएगी नहीं और दूसरा सायरन बजेगा जो और डरेगी। अगर हम जैसे ये चला दिया इसको, तो अगर हम इसको सायरन को बंद रख सकते हैं, जैसे अगर सायरन को बंद रखना है हमें, तो इसको जैसे इसमें कनेक्शन दिया गया है, एक स्प्रिंग यहाँ पर अड़ती है तो ये बजता है। तो इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये हमने नीचे कर दिया। जैसे इसको नीचे कर दिया तो अब क्या होगा कि केवल लाइट ही चलेगी, ये लाइट चल रही है, अभी लाइट चल रही है, घूम रहा है और सायरन नहीं बज रहा है। तो इसका सायरन का कनेक्शन दोस्तों इस स्प्रिंग के अंदर दे दिया गया है। ये अड़ती है स्प्रिंग, जैसे टच होती है और वैसे ही चलता है। तो दोस्तों, आप ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।